रिसेंटली एमयू ड्रामा क्लब ने एलुमनाई मीट, पहली एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करी एंसेंबल 2018 के साथ, और मुझे बेहद खुशी है कि इसमें 1960 से लेकर मोस्ट रिसेंट एलुमनाई ने शिरकत करी, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस इनिशिएटिव को लेके। और मैं गलत कह रहा हूँगा अगर वही घिसी पिटी लाइन वापस बोलूँ कि इतने साल बाद एमयू आया, कोई चीज़ नहीं बदली, जबकि हर चीज़ यहाँ बदल चुकी है, कैनेडी की लाइट से लेकर ख्वातीनों की शिरकत तक। एंड बिलीव मी, दीज चेंजेस आर लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। और इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने एक नज़्म लिखी है जिसका मौजू है वाज़े तौर पर, तो पेश खिदमत है एमयू ड्रामा क्लब के सफ़े ऊपर, कि तब्दीलियाँ अब बिखरी हैं यहाँ की हवाओं में, हद फे असल अब भी दूर है तो क्या। सो बुगाहटें कुछ फैली हैं इन फिजाओं में, रास्ते अब भी बेनूर हों तो क्या। हो इसरार जुनू या इकरार सुकून, हर शख्स कहेगा अब वाज़े तौर पर। और ये जो न्यू एनर्जी है ड्रामा क्लब के अंदर, जो कि बहुत खुशी हुई देख के, नया टैलेंट देख के, इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं कि चिंगारी से शोला, शोले से शबनम, निकालने का हुनर अब तुम में है। दुनिया से गफलत और दुनिया की गफलत, मिटाने का जुनून अब तुम में है। कविश करो तुम पुरखरोश से, नतीजे इसके देखेगा जहां वाज़े तौर पर। और ये जो कैनेडी ऑडिटोरियम है, सी सी है, जहां सब लोग दिन रात लगे रहते हैं, लिखते रहते हैं, करते रहते हैं ड्रामा, प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी कुछ लाइनें हैं कि मरकज़ है ये नरम जहानतों का दोस्तों, कट्टर होना कतई नहीं मयार इसका। मरकज़े बाम पर अब तुम हो ही खड़े, सारा इदारा है बाकी दर दीवार इसका। तो अब चाहे चीखें या चिल्लाएं तुम पर ये मुहाजिर, खामोशी भी अपनी दर्ज करो वाज़े तौर पर। इसके अलावा जो एक कॉमन बात थी जो सबने नोट करी कि ख्वातीन यानी लड़कियों की शिरकत बेहद हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैटलिस्ट ज़रूरी होता है किसी भी चेंज को लाने के लिए। एंड आई थिंक कि लड़कियों की शिरकत इस चीज़ में कैटलिस्ट का काम करा है। बहुत ही एनर्जी माइम देखने को मिली इस बार, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। लड़कियों ने पूरे खरोश, पूरे फिजिकल लिमिटेशंस को एक तरफ रख के पूरी तरह वो किया। तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं, हमारे टाइम पे लड़कियों को बोलने भी नहीं दिया जाता स्टेज पे, और अब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग हो रही है, तो थम्स अप टू यू। तो कुछ लाइनें उनके ऊपर हैं कि सुनना भले ही आसान हो यहाँ बोलने से अक्सर, सच सुनने का मादा रखता नहीं हर कोई, बोलने में अक्सर होती थी उनकी दुश्वारी, लफ्ज़ जो अब निकलेंगे उनकी जुबा से होगी साफ हुई। रजामंदी हो आपकी इसमें अब या कि ना हो, ख्वातीन भी यकसा हैं यहाँ वाज़े तौर पर। सो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सभी लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि इसी पैशन, इसी एनर्जी से लगे रहेंगे। सो द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट इज चेंज, सो बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। अस्सलाम वालेकुम।